हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किड्स रूम, जहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे रखी थी स्टडी, और इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया था। और बैक में मैंने रखा था लूअर्स, वॉलपेपर एंड बेड रेस्ट दिखाया था फुल। उसके बाद मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे राइट साइड पे अलमीरा, जो मैंने कैसे बनाई थी ये नहीं दिखाया था। सो आज हम कवर अप करते हैं अलमीरा को। सो हमारा रूम साइज था 12x12 का, जिसमें हमने 5x6 का बेड निकाला था और एक स्टडी निकाली थी, और उसके हिसाब से जो स्पेस बच रहा था उसमें हमने अलमीरा निकाली थी। ये ना तो बहुत बड़ी अलमीरा है ना बहुत छोटी अलमीरा है, दो बच्चों के लिए काफी सफिशियंट है। बच्चों को इतनी बड़ी अलमीरा की नीड नहीं होती है, और एक छोटी बेसिक अलमीरा भी काम कर जाती है। ये अभी आपको बहुत बेसिक अलमीरा दिखाई दे रही है, बट इसका जब लुक पूरा निकलेगा तब आप देखिएगा कितनी ग्रैंड लगती है। इसका कंसेप्ट भी मैंने पूरा पिंक एंड ग्रे में रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके का लैमिनेट यूज किया और इसमें क्या क्या हमने प्रोडक्ट्स यूज किए और ये कैसे निकल के आई। सो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। सो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस रूम की थीम थी पिंक एंड ग्रे में। सो हर चीज हमारी रही पिंक एंड ग्रे से रिलेटेड। सो ये जो आपको लैमिनेट दिखाई दे रही है ये ग्राफिक लैमिनेट है, और ये पिंक, व्हाइट और ग्रे के टेक्सचर में प्रिंटेड है। इस तरीके के ग्राफिक लैमिनेट्स आप बनवा भी सकते हो ऑर्डर पे, और आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। इसमें मैंने जो हैंडल्स यूज किए हैं वो कंट्रास्ट में ब्लैक में यूज किए हैं, ताकि अलग से उसके ऊपर चमकता हुआ ब्लैक हैंडल दिखाई दे और अंधेरे में भी आपको पता लग जाए हैंडल कहाँ पे है। मैंने अपनी अलमीरा को डिवाइड किया दो सेक्शन में, लेफ्ट एंड राइट, और उसके साथ ही स्लाइडिंग डोर्स। राइट साइड को रखना पड़ गया मुझे थोड़ा बड़ा और लेफ्ट को थोड़ा छोटा, क्योंकि वहां पे एक पिलर था इसकी वजह से। अदरवाइज अगर वो पिलर नहीं होता तो मैं दोनों को इक्वल रखती। सो बड़ी वाली साइड मुझे देनी पड़ी बड़ी वाली बेटी को, और छोटी वाली साइड देनी पड़ी छोटी वाली बेटी को। अभी जो आपको इसमें कपड़े दिखाई दे रहे हैं ये सब अभी सीजनल क्लोथ्स हैं, जो अभी बच्चे पहन रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं और भी कलेक्शन निकाल के रखूं बेड में से, जैसे समर कलेक्शन या पार्टी वेयर ड्रेसेस, तो हमारी के अंदर इतना स्पेस है कि और भी सामान आ सकता है। बट अभी मैं ही निकाल के रखती हूँ जो बच्चे अभी डेली यूज में पहनते हैं। अदरवाइज सब निकाल के रख दो तो अलमारी बहुत मैसी हो जाएगी और बच्चे फ्रिक्वेंटली अलमारी फैला देते हैं। इसमें मैंने यूज किए हैं लैमिनेट ग्रे कलर में अंदर, और इसमें मैंने यूज किए हैटिच के सॉफ्ट टच चैनल्स ड्रॉस के लिए। इसके साथ मैंने यूज किया है प्रोफाइल लाइटिंग। गाइस अगर आप भी डिजाइन कर रहे हैं अपनी अलमीरा तो प्रोफाइल लाइटिंग जरूर लगवाइएगा, क्योंकि अलमीरा में अंधेरा वगैरह हो जाता है और कभी कभी हमें सामान नहीं मिलता। सो लाइट के होने से बहुत बेनिफिट रहता है और ये बहुत प्रिटी और सुंदर भी लगती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अलमीरा की लेफ्ट साइड, जो है मेरी छोटी डॉटर की। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अपनी अलमीरा खुद मैनेज करती है और मेरे को अपनी अलमीरा को टच भी नहीं करने देती। और ये जो आपको साइड में एक मोटा सा पिलर दिखाई दे रहा है, ये मैंने वही पिलर कवर कराया है, और इसमें मैंने साइड में से कुछ बीट्स हैंगिंग इसके लिए लगवा दिए हैं, जिसमें अपने क्लिप्स वगैरह सब हैंग कर सकती है। इतनी छोटी अलमीरा होने के बाद, लेफ्ट साइड वाली मैंने आपको बताया था अलमीरा छोटी थी, तब भी इतना स्पेस निकल आया कि इसमें भी अभी इतनी जगह खाली है कि मैं इसमें समर कलेक्शन, पार्टी वेयर ड्रेसेस आराम से रख सकती हूँ। इसमें भी एक ड्रॉ मैंने बनाई है टी शर्ट्स के लिए, जैसे आप देख रहे हो उसमें टी शर्ट, नाइटशर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, और नीचे एक ड्रॉ अलग से मैंने इसके लिए और बनाई है, जिसमें इसके सॉक्स वगैरह, कैप्स और अंडरगार्मेंट्स आ जाते हैं। और अलमीरा की साइड में मैंने जो यूज किया वो जगह को यूज किया एज ए ड्रेसिंग मिरर। मैंने ड्रेसिंग मिरर लगाया और इसके पीछे मैंने अगेन लूअर्स की फिटिंग कराई, और इसके पीछे मैंने लाइटिंग का इफेक्ट दिया, और ये बहुत ही प्रिटी लगता है। अब आपके सामने मेरा ऑलमोस्ट फुल बेडरूम का लुक आ गया है, जिसमें स्टडी इन्वॉल्व हो गई है, बेड इन्वॉल्व हो गया है और अलमीरा इन्वॉल्व हो गई है। सो गाइज अगर आपको मेरी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू लाइक माई वीडियो एंड सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय द वीडियो। अभी वीडियो बाकी है, पूरी देखिएगा। बाय।